अगर एफएनओ ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो देन हियर आर द टैक्सेस एंड चार्जेस दैट यू नीड टू नो अबाउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। फर्स्ट, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो एफएनओ ट्रेडिंग में सिर्फ सेल साइड के ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है। इनफैक्ट बजट 2024 में गवर्नमेंट ने एसटीटी को इंक्रीज भी कर दिया था। सेकंड, ब्रोकरेज। पर ऑर्डर आपको ₹20 और 0.03% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर जितना ब्रोकरेज पे करना होता है, विच कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन योर ब्रोकर। थर्ड, जीएसटी, जहां गवर्नमेंट आपसे 18% जीएसटी कलेक्ट करती है ऑन ब्रोकरेज, सेबी चार्जेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। फोर्थ, स्टैम्प ड्यूटी। Whenever any security is transferred from one person to another, तो state government आपसे stamp duty charge करती है। Fifth, transaction charges. NSE और BSE आपसे charges लेते हैं on the basis of your transaction value. इसके अलावा SEBI fees, depository participant charges, registration और न जाने क्या क्या एक trader को pay करना होता है। लेकिन क्या इतने सारे taxes और charges justified है? Share your thoughts in the comments below. And for more financial wisdom, keep following Yes Securities Choice of Device. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.